मुंबई में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अब वैक्सीनेशन सेंटर्स तक सीमित नहीं रही है। मुंबई के मुलुंड वेस्ट के एटमॉस्फेयर सोसाइटी ने ये जिम्मा उठाया कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें डोर स्टेप टीकाकरण दिया जाए, और दो दिन में इस वैक्सीनेशन सेंटर में इस ड्राइव में उन्होंने 600 लोगों को वैक्सीनेशन देने का जिम्मा उठाया है। फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके इनका रजिस्ट्रेशन करके इन्होंने वैक्सीनेशन देने का जिम्मा उठाया, और यहाँ पे जो लोग हैं वॉलंटियरली यानी कि अपने हित से यहाँ पे आ रहे हैं और इस वैक्सीनेशन ड्राइव का मजा भी ले रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे देखा जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे मुंबई में हर जगह भरे हुए हैं, कहीं पर वैक्सीन है कहीं पर नहीं है, और अगर आप जा भी रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन होती है और ऐसी कई सारी दिक्कतें देखी गई हैं। लेकिन इसी बीच जो सोसाइटी है उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है अगर वो अपने सोसाइटी में बैठ दे सकते हैं उन रेसिडेंट्स को तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं अभी मुलुंड वेस्ट के एटमॉस्फेयर सोसाइटी के क्लब हाउस में खड़ी हूँ। मेरे साथ राज कुलकर्णी जी हैं जो कि है वॉलंटियर ऑफ एटमॉस्फेयर सोसाइटी। सर, जैसे कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है आपने शुरू किया है जिसमें जो आपकी सोसाइटी है उसमें जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन्हें आप वैक्सीन दे देंगे, तो इसमें ये जो प्लानिंग है कब आपकी प्लानिंग आई और कैसे आपने इसे आज एग्जीक्यूट किया है? एक्चुअली मैडम, मैं कुछ एक महीने पहले जस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया था, तभी कुछ सेंटर्स पे घूम रहे थे हम लोग, तो मैंने देखा कुछ सीनियर सिटीजन्स बाहर क्यू लगा के खड़े हैं, कुछ लोगों को, दो तीन लोगों को चक्कर भी आई थी उस टाइम पे, तो उनको मैंने उठाया था। कालिदास करके हमारे यहाँ पे एक हॉल है वहाँ पे, तो मैंने सोचा जस्ट कि ये हम लोग वैक्सीनेशन हमारे सोसाइटी में क्यों नहीं स्टार्ट करें, जैसे बड़े बड़े हब है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। तो फिर ये मनोज जी मुझे मिले, तो मैंने मनोज जी को कहा कि हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे एक लेटर दे दो, तो हम लोग ये प्रस्ताव रखेंगे डीएमसी के पास और गवर्नमेंट के पास, और जैसे हो गए हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने उनको एक लेटर दिया एक महीने पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प की। फिर अदिति जी को भी मैंने एक मैसेज कर दिया था, और चहल जी को भी हम लोगों ने बताया था, तो उनके पास ये पॉलिसी डिसीजन फाइनल हो गया, और आज इसकी सुविधा सब लोगों को घर बैठे ही मिल रही है। तो डोर स्टेप का एक्चुअली यही पर्पज़ है कि लोग यहाँ से बाहर जाके रश करे, ट्रैफिक जाम हो, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो, सीनियर सिटीजन जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको घर पे अवेलेबल हो वैक्सीन, ये मेरा एक मेन मोटो था, इसलिए मैंने ये ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पे सर जी, जैसे कि क्लब हाउस है, तो इस क्लब हाउस में आपने कैसे मैनेज किया वैक्सीनेशन का, आप हमें दिखा सकते हैं क्या? हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आइए। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने सब वैक्सीनेशन सेंटर बना के रखा है, ये है जैसे यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर की पूरी टीम है, उसके बाद पूरा सेटअप रेडी करके रखा हुआ है। जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक एक को वैक्सीनेट देखे, यहाँ पे जो सीटिंग एरिया रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे 30 मिनट्स वो लोग वेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उनको हम लोग सलाह दे रहे, डॉक्टर सलाह दे रहे कि आप यहाँ से अभी घर चले जाओ करके, बस यहाँ पे बूथ है ना? हाँ, ये बूथ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये बूथ है यहाँ पे, अभी लंच टाइम हो गया इनका, ये सब चल रहा है। एक ये लेडीज के लिए बूथ बनाया हम लोगों ने और एक जेंट्स के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसे ही हम लोग अभी एक एक स्लॉट करके 25-25 लोगों का, एक एक घंटे में 25-30 लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, उनको वैक्सीनेट करके हम लोग रिलीज कर रहे हैं। मैंने खुद अपना वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट सेंटर्स पे लिया हुआ है, वहाँ काफी मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी क्राउडी था और काफी लोगों को एक्सपोजर के चांसेस थे, और काफी देखा कि सीनियर सिटीजन्स मेनली दे हैव सफर्ड अ लॉट, उनको इतना दूर आना फिर एक्सपोजर के चांसेस। लेकिन इसीलिए अच्छा हुआ कि हमारे कॉम्प्लेक्स, मैं एटमॉस्फेयर कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, हमारे कॉम्प्लेक्स में एक हमारे दोस्त है राज कुलकर्णी, और उनकी टीम ने सोचा कि लोगों की ये तकलीफ कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने मनोज कोटक जी जो हमारे MP है उनसे भी मिले, वो काफी मेहनत की, काफी मुश्किल था, कहीं ऐसा शुरू नहीं था, ये पहला एक इनिशिएटिव कोशिश किया इस टीम ने, और इसके बाद आज यहाँ पे काफी, मैं पिछले 6 दिन से देख रहा हूँ, इन्होंने काफी सारे एक्सेल शीट्स प्रिपेयर किए, लोगों के फाइनेंस और ये सब मैनेज किया, पिछले 7 डेज डे नाइट काम करके आज उन्होंने हमारे ये क्लब हाउस में, ये जिम सेंटर है हमारे कॉम्प्लेक्स का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओल्ड एज लोग भी घर से इजिली आके आज यहाँ पे वैक्सीन ले पा रहे हैं। लोगों के डोर स्टेप पे वैक्सीन लेने के बाद जो ये कम्फर्ट है, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, किसी को एक्सपोजर नहीं हो रहा है, दिस इज रियली वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ऐसे टीम मेंबर्स थे और आज हम इस तरह वैक्सीन ले पाए। हमारा ये जो ड्राइव है जो मिस्टर राज कुलकर्णी ने इनिशिएट किया, और हमारे जो MP मनोज कोटक जी, उन्होंने हमें काफी इसके लिए हेल्प की है।
और इस ड्राइव में हमने हमारे साथ काफी सारे रेसिडेंट्स जुड़े हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आज अंडर वन रूफ 600 पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड दिस वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 7 डेज। और हमने काफ़ी जैसे प्री रजिस्ट्रेशन था हमारा, पेमेंट हमने रखा था, फिर हमने लोगों को कूपन सिस्टम दिया था, सो वी डिड इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे सो दैट देर विल बी सोशल डिस्टेंसिंग एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पीपल 600 पीपल गेट वैक्सीनेटेड। दैट वाज अवर मोन मोटिव अंडर टेकिंग अ डोर स्टेप ड्राइव। यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है कैसे रखा गया है, आपने बहुत पहले बता दिया था, एक हफ्ते पहले कब बताया था और क्या उनका रिस्पांस आया? हाँ, 15 डेज पहले ही इन्होंने बता दिया था सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एवरीथिंग, पूरे टीम ने और लोगों ने उसी हिसाब से फॉर्म वगैरह फिल किया है और टोकन नंबर दिया गया था उस हिसाब से। ABP News आपको रखे आगे।